नया कलर चला गया था यार, क्या करूँ अभी, फिर से सही रूट पकड़ने वाला हूँ, तो ऐसा होता ही रहता है। पुत की हाल चाल भैन जी? अच्छा जी, बड़ी होगी ना ता करके थोड़ा कुछ ऐसे है गाइस। अभी मैं एक ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ एंड आई नो दैट द लॉन्ग टाइम आई एम नॉट अपलोड अ वीडियो बिकॉज ऑफ वन रीजन, आई एम नॉट वेल एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोस। मैं कहीं भी जा नहीं पा रहा यार, तो अभी फाइनली मेरा एक प्रोग्राम बन चुका है कहीं जाने का, तो सोचा क्यों ना यार व्लॉग बनाया जाए। और इतने काफ़ी दिनों के बाद यू नो एनर्जी लेवल जो फिर से मतलब अपने वो ही फॉर्म में आना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यार मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। सो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज़ योर बॉय आकाश, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है अभी कि मैं बैग पैकिंग जो है अपनी कर रहा हूँ, कपड़े सारे निकाल दिए हैं, अभी दिखाता हूँ, ये सारे कपड़े निकाल दिए हैं, थोड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी बैग पैक करूँगा और अभी नहीं निकलने वाला, टाइम देख लो पीछे कितना हुआ, अगर दिख रहा तो, नहीं दिख रहा चेक करो, अगर दिखता नहीं यार मैं बताता हूँ, टाइम हो चुका है अभी 1 बजे हैं, ठीक है। और मुझे निकलना शाम को, तो सोचा कि सबसे पहले पैकिंग कर लेता हूँ अपनी जो जो सामान है, और मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, थोड़ा काम है वहाँ पर, तो फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं और मैं आपको सीधा मिलूँगा जब मैं घर। गाइस आई जस्ट कम फ्रॉम मार्केट, थोड़ा सा काम था वो भी हो गया मेरा, और हेडफोन मैंने यहाँ पे चार्ज लगा दिए हैं किधर के, हाँ ये रहे, क्योंकि ट्रैवल के टाइम मैं यूज़ करता हूँ तो सही रहता है, टाइम पास हो जाता है गाने सुनने का। और अभी सीधा चलते हैं नीचे और करते हैं बैग पैक, ठीक है। बैग मैंने बाहर निकाल लिया है, सबसे पहले पैक करते हैं फिर करते हैं आपसे बात। Thank you.
काफ़ी टेस्टी है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ भैया कि एक भैया आने वाले थोड़ा सा सामान देंगे, फिर उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। और ये रहा पीछे मेरे रेलवे स्टेशन। सो वेट करते करते चाय पियेंगे और तब तक शायद भैया आ ही जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं सीधा बस में। फाइनली गाइस बस जो अभी आ चुकी है और अभी 9:30 टाइम था और अभी पता नहीं कितने बजे यहाँ से निकलेगी। और लेट्स सी देखो कितने बजे, आई थिंक 10 बजे तक निकलेगी। और बस जो है बिल्कुल मेरे सामने, बस जो है मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये देख ही सकती हो। और अभी पता नहीं यार कितने बजे चलेगी बस, कितने बजे नहीं, बट फाइनली मैं यहाँ पे टाइम से पहले ही पहुँच चुका हूँ, तो अभी कोई टेंशन है नहीं। और पेट पूजा भी हो गई है, बाकी देखते हैं यहाँ तक भी बस का जो स्टॉप होगा, पर वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान थोड़ा सा ले लूँगा, बट अभी तो फ़िलहाल भूख है नहीं। बाकी देखो सफ़र कैसा रहता है दिल्ली का, और आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। पर बस काफ़ी सही है यार, बस मैं आपको ना अंदर से दिखाता हूँ अभी। काफ़ी सही लगी ये वोल्वो बस, और आई थिंक 49 सीट्स है इसमें, काफ़ी बढ़िया बस है यार, और प्राइस भी एकदम सही है। और मेरा सीट नंबर है 13, तेरा सीट नंबर है। और ये रही अपनी सीट, विंडो सीट है, जो हर बार की तरह मैं यही चूज़ करता हूँ, और मज़ा आने वाला पूरा पूरा। और मेन बात ये है कि चार्जिंग पॉइंट है, सब कुछ है इसमें, आप देख ही सकते हैं बस कितनी सही लग रही है यार, काफ़ी बढ़िया है, सफ़र अच्छा रहेगा इस बस में। वहाँ पे पहुँच जाएगी अभी, टाइम देख लो गाइस, मतलब 10 बजने वाले, 10-15 मिनट हैं अभी। बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अभी, और देखो कब तक चलती है। तो बाकी बने रहना मेरे साथ, पूरा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर रास्ते में जब चलेगी बस। राइट नाउ वी हैव अ फर्स्ट ब्रेक टाइम, और अभी यहाँ पे रुके हैं यार, कोई जगह है पता नहीं कौन से, कोई ढाबा वगैरह है, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो गए यहाँ पे, फिर चलते हैं बस में यार। अभी बस कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, और चिप्स का पैकेट ले लिया एक। बाकी आई थिंक ये लास्ट स्टॉप, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राइट नाउ आई मैं रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ यार, मेट्रो भी हूँ अभी, और मैं गलत चला गया था यार, क्या करूँ, अभी फिर से सही रूट पकड़ने वाला हूँ, तो ऐसा होता ही रहता है, तो नए नए एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। सुबह से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ यहाँ, और अभी मेट्रो आएगी यहाँ पे, इस साइड पे आएगी, तो यहीं से दूसरी चेंज करनी पड़ेगी, फिर मैं पहुँचूँगा सीधा घर पे। तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ना, तो इसलिए फिर हो जाता है कई बार, तो बाकी सीधा मिलते हैं फिर घर जाके। सो फाइनली गाइस राइट नाउ आई एम हियर सेक्टर 52, मतलब यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ बस, अभी जीजू आने ही वाले हैं लेने के लिए मुझे। बड़ा सफ़र है यार, सुबह बस वाले ने लेट करा दिया, गलत जगह छोड़ दिया मेरे को। अभी आ रहे हैं बस वो लेने के लिए, फिर घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे, थक चुका हूँ बस हो गई यार। हाय मेला पुत, राम राम जी, हाय मेला पुत, हाँ जी, कितने चल रहे हो? घर पहुंचते हुए हाय रब, राम राम जी, राम जी, और जी और की हाल चाल भैन जी, अच्छा जी,
बड़ी होगी ना ता करके थोड़ा अच्छा। पता करना पड़ता। सो फाइनली गाइज आई एम जस्ट होम नाउ और बहुत ही लेट हो गया था यार, आज मैं थक गया था। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके हटा हूँ, अभी 11 बज गए हैं और यहाँ पे वेदर काफ़ी सही है। यहाँ पे पीछे देखो बहुत सही वेदर है। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ और बाकी जो है एक बहुत शानदार जो है ट्रिप होने वाला है और वो बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहो मेरे साथ। और अगर ये व्लॉग जो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर गाइज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी आपसे जो है कंटिन्यू जो है व्लॉग्स जो आते ही रहेंगे।